गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास सिक्स। टुडे वी स्टडी साइंस चैप्टर फर्स्ट लेक्चर सिक्स। ठीक है स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर यू स्टडीड एक्टिविटी सिक्स एंड आफ्टर दैट टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी सेवन। Have a look again at table 1.5. Table 1.5 आप जो आपके page number 5 पे book में दिया हुआ है उसमें आप देखिए the animals entered है। उसमें मैं बताया था कि उस टेबल में एक तरफ एनिमल्स के नेम और एक तरफ उनके फूड क्या क्या है वो आपको बुक में फिल करना है। सो कैसे इसको तो इस टेबल में कैसे इसको फिल करना है, टेबल में आपको देखना है कि कौन सा एनिमल और वो क्या फूड ईट करता है। ठीक है, फूड भी कई टाइप्स के हैं। ठीक है, देखिए प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट्स ईट करते हैं। ठीक है, जो केवल प्लांट्स ईट करते हैं उनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, ईट ओनली प्लांट, ठीक है, आर नोन एज हर्बीवोरस। नेक्स्ट, दोज एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, वो जो जो एनिमल दूसरे एनिमल को ईट करते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्निवोर। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं ईट ओनली अदर एनिमल। ठीक है स्टूडेंट, एंड दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर नोन एज ओमनिवोर्स एनिमल, प्लांट एंड अदर एनिमल। ठीक है, ईट प्लांट एंड अदर एनिमल बोथ, सो दोज एनिमल्स विच ईट बोथ दैट इज प्लांट और अदर एनिमल्स दैट इज ओमनीवोर्स, ओ एम एन आई वी ओ आर ई एस, ओमनीवोर्स। इनके एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, हर्बीवोर्स जो केवल प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि काउ गोट बफेलो, ठीक है एक्सेट्रा। कार्निवोर्स में लॉयन टाइगर, ठीक है लियोपार्ड, ये सभी अदर एनिमल्स को ईट करते हैं, ईगल। नाउ ओमनीवोर्स के क्या एग्जाम्पल हैं, कैट डॉग। ठीक है, कैट जो है मिल्क प्रोडक्ट भी लेती है एंड अदर एनिमल्स को भी, जैसे कि रैट को खाती है। डॉग भी वही अदर एनिमल्स को भी खाते हैं और वो मिल्क एंड चपाती भी खाते हैं, तो इस तरह से वो ओमनीवोर्स में आते हैं। आपके बुक में ये डेफिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है बहुत ही इजी है। सो प्रिपेयर द टेबल 1.6 ऑन दिस बेसिस फ्रॉम हर्बीवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर, यू फिल इन योर बुक टेबल 1.6 ऑन पेज नंबर 5। ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस, वी नो दैट देर आर मेनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड, आप जानते हैं कि sufficient food we need to find ways by which more food can be produced in country। इसमें ये कह रहा है कि जैसे कंट्री में so many foods हैं लेकिन sufficient food उसको मिल पाता है उस animals को मिल पाता है जो उसके लिए क्या करता है, उतना वो find करता है। ठीक है, now that will not be enough, we will need to find ways to ensure that the food is made easily available to each other। So animals जो है अपना food find करते हैं, आप देखते हो कि road पर और भी जगह animals जो है जगह जगह अपना food जो है find करके तब वो grass करते हैं। So students आज के लिए इतना ही, आगे आपका keywords है जिसमें कि जो मैं लेक्चर में बीच बीच में बताया हूँ डेफिनेशन सम और कुछ डेफिनेशन आपके बुक में है, तो इससे आप कीवर्ड्स अपने कॉपी में लिखिएगा। सो थैंक्स।